नमस्कार, बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता व पदाधिकारी राजू शुक्ला को वालू पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई विलास चौगले व उनके सहयोगी अधिकारी ने जमकर लाठ घूसों से पीटा, ऐसा राजू शुक्ला का आरोप है। हालांकि राजू शुक्ला एक निजी अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। आखिर क्या है मामला, सुनिए राजू शुक्ला की जुबानी। क्या नाम है आपका? दिवाकर शुक्ला। आप बबुआ के कार्यकर्ता? बबुआ का नाला सुपारा सहायक उप सचिव। क्या हुआ था आपके सर? मेरी बिल्डिंग में सिक्रेटरी रहते हैं राकेश विश्वकर्मा जी। कल उनके साथ 12:43 पे 5,45,000 की किसी ने उनको बुला के छीन लिया वहाँ पे। ये चीज उन्होंने मुझे फोन पे बताया, तो मैं शाम को जब अपने काम से लौटा तो उनसे मिला। जब मुझे उन्होंने पूरी घटना बताई कि मैं गाला ले रहा था और गाला का पैसा के लिए मुझे बुलाए थे वहां पे, मुझे इलेक्ट्रिक का काम रहता है उनका, इसलिए मैं वहां गया था। तो लड़का आया, उनको लेके गया और पैसा छीन लिया। इनोवा से कुछ लोग आए थे, लेके चले गए। तो मैं ये चीज वालू के इंचार्ज विलास चौगले जी को मैंने बताया, बात हुई तो मुझे बुलाए और मैं वहां पहुंचा रात में। तो उन्होंने आधा घंटा मुझसे पूछताछ किया इनसे, विश्वकर्मा जी से, उन्होंने पूरी बात बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ डीबी वाले को भजन एंड संघ पे बोले थे, रुकिए आप, ज्ञानेन्द्र फटकरे नाम है, फटकरे उनको बुलाया वहां पे उन्होंने। और जब वहां पे हम लोग बुलेट से फिर वहां गए रात में 8:30-9 की बात थी, शायद ठंडी भी लग रही थी। हम लोग जाके वहां गए, उनको दिखाए तो स्पॉट नहीं चेक किए, भजन एंड संस के पास खड़े रह गए और पूछे सारी चीज, बोले सुबह तुम 10 बजे आना। और मैं वापस आया रात में, तो मैंने विलास शुक्ले साहब को फोन किया कि सर वहां पे ऐसा हुआ, स्पॉट वाले नहीं देखे, बोले तुम सुबह हमको भेजो और तुम भी साथ में आना। तो 9:30 भैया मुझे बुलाए और फिर मैं इनके साथ में 10:15 वाली पिटिशन आया। वहां पे डीबी वाले जो डिटेक्शन एरिया है वहां पे इनको बुला के राकेश विश्वकर्मा जी से पूछताछ की, मुझे बाहर कर दिए, डीबी बाहर कर दिए, उनसे पूछताछ की। और पूछताछ करने के बाद फटकरे जो है ज्ञानेन्द्र फटकरे जी डायरेक्ट जो है वो अंदर गए और विलास तरे साहब के ऑफिस में, विलास चौगले साहब के ऑफिस में, वहां जाके उन्होंने क्या बताया मुझे नहीं पता है। वो आए बोले आपको बुला रहे हैं दोनों। उसके बाद वो मेरी माँ के ऊपर से गाली दिए चौगले जी, उसके बाद बोले तू उधर खड़ा रहे, भाई मैडम को जाने तो बताता हूँ। और फटकरे ने कहा तेरे पट्टे के नीचे लेता हूँ। इसके बाद वो मैडम आई थी, सीपी साहब थी, उनको उन्होंने गाड़ी में बिठाया और गई। उसके बाद वो आए तो पहले लात मेरे ये मेरे पेट पे मारे हैं, मेरा किडनी नहीं है, यहाँ ऑपरेशन होना है। पहले लात उन्होंने यहाँ पेट पे मारा है और इधर से चौगले साहब वो मार रहे थे फटकरे, यानी फटकरे, क्योंकि कोरोना है तो कोई मेरे नजदीक नहीं आ रहा था, लात से ही मार रहे थे इधर इधर। और मैं बोला था सर कि मुझे कुछ पता नहीं है, झूठा झूठी बात बताता है, ऐसा कहीं वो मार रहे थे मुझे। और राकेश वहीं खड़े थे, मेरा राकेश ने उनको वहां से बोला विश्वकर्मा जी ने कि राजू शुक्ला को मैंने भी कुछ बताया नहीं है, कुछ उनको मालूम नहीं है। और मैंने भी कहा कि मुझे सर कुछ नहीं पता है क्यों मार रहे हो। तो ऐसा करके 4 लात उन्होंने मारा विलास जी ने, विलास चौगले जी ने 2 लात और 1 झापड़ फटकरे जी ने मारा है, 2 झापड़ विलास चौगले जी ने मारा है। इसके बाद मुझे मार दे, मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लगा और मैं डीबी में गया, तो लोग मुझे बिठाए और पानी उन्हें मेरे, क्योंकि बहुत मेरे कोरोना आ रहा था, कोई आज तक ऐसा किया नहीं था, कोई गलत काम मैं किया नहीं था। वो मात्रे साहब थे, किरण मात्रे साहब पहचानते थे मुझे, जाके सब बताए। तो लोग फिर मुझे पानी चाय बताना चाहिए था, नाम बताना चाहिए था, तू ऐसे कैसे आ गया, तेरी गलती नहीं है। जो मुझे थोड़ा घबराहट जैसी हो रही थी, मैं पानी और चाय जबरदस्ती लोग पिलाए, मुझे रोक रहे थे, मैं बोला मुझे जाने दो, मुझे रोको मत, नहीं कुछ भी हो सकता है मुझे। मैं हॉस्पिटल में आया, मुझे घबराहट बहुत हो रही थी, मैं एडमिट हुआ हूँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सोनोग्राफी का लेटर, सोनोग्राफी करने जाना है और क्या नाम है सिटी स्कैन निकालना है। अगर मुझे पेट में कुछ लगा रहेगा तो आगे कुछ क्या होगा, आप देखो क्या रिपोर्ट आती है उस हिसाब से काम होगा। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज करके लीगल, जैसे कोई आम आदमी किसी को मार देता है FIR दर्ज होता है, ऐसे इनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। CCTV कैमरा इनके जस्ट सामने है, पूरा घटना वहां पे कैद है। अगर ये लोग डिलीट नहीं करेंगे तो भी तुरंत मिलेगा, पुलिस है कुछ भी कर सकते हैं। और मैं इनके प्रभाग में ही हूं, अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार विलास चौगले जी और उनकी पुलिस होगी, क्योंकि मैं जहां एडमिट हूं उनके ही एरिया में आता है, वाली पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है जहां मैं धानुबाग में भी एडमिट हूं। तो
तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जब पुलिस स्टेशन में मार सकते हैं मुझे, तो और भी कुछ कर सकते हैं। मेरी जान को भी चौगुले से खतरा है और मैं चाहता हूं उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो, सस्पेंड हो तत्काल प्रभाव से, फटकरे भी और ज्ञानेश फटकरे को भी सस्पेंड किया जाए, इनको भी सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर गुनाह दर्ज किया जाए। आप पर कोई समझौता करने से संबंधित कोई दबाव वगैरह कुछ? बहुत दबाव आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, बहुत अनेक तरह का दबाव आ रहा है, लेकिन मेरे सम्मान की बात है, सम्मान जाता है लौट के नहीं आता है। जिस तरह से आपने मुझे मार के अपना काम किया है, इस तरह से आपको मैं गुनाह दर्ज करा के आपको भी मैसेज देना चाहता हूँ समाज में कि आप किसी को भी मारोगे तो आपके ऊपर भी गुनाह दर्ज हो सकता है, चाहे आप PI हो, चाहे हवलदार हो, चाहे ACP हो, चाहे DG हो, चाहे जो हो, आखिर हो आप जनता के सेवक ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश विश्वनाथ विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, क्या हुआ था उस समय? उस समय पुलिस चौकी में हम लोग जब गए तो रात को, तो चौगुले साहब से भाई साहब ने बात किया था, तो बुलाए, बातचीत हुआ, जो मेरा मैटर था मैंने उनको बताया, बोले ठीक है। फिर उनके साथ में भेजे, वहां पे गए हम लोग भजन डेरी के पास, भजन डेरी के पास जाके वो सब देखे, उसके बाद वो चले, हम दोनों दिन स्पॉट पे भी गए, मैं और राजू भैया। फिर वहां से हम लोग वापस आ गए घर पे, तो सुबह बुलाए थे 10 बजे, तो सुबह जब 10 बजे हम लोग गए तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है तुम आ गए, तो बोला ठीक है मैं गया तो था, मेरा ऐसे ऐसे हुआ है। और बोले और कुछ? तो और कुछ में मैं बोला कि मेरे साथ में मतलब एक पैसे का लेन देन है, जिसमें उनको मुझे बढ़ा के देने की बात किए थे, और आज जाते ही मुझे भजन डेरी के पास से उन लोग ने बोला कि थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे, वैसा करके थोड़ा आगे लेके गए, और उसके बाद वो लोग इनोवा से आए और पैसा छीन के लेके चले गए। ये चीज मैंने उनको बताया, तो वो फटकरे साहब ने जाके चौबरी साहब को बताया मैं। फिर उन्होंने जो है SP मैडम आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले क्या हुआ बताया, तो बोले मुझे डांटे वटे, बोले हाँ मैडम मेरी गलती हुई, मैंने थोड़ा सा आधा बताया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख एक्शन लेते हैं। मैडम चली गई, बाद में चौगुले साहब आए और इनके ऊपर भड़क गए और इनको ऊपर हाथ उठा दिए, तो मैं जो हाथ जोड़ के बोला साहब मेरी गलती है, मैंने आपको यदि झूठा बोला हूँ सच बोला मेरी गलती है, आप मेरे ऊपर एक्शन लीजिए, मुझे मारिए चलेगा, लेकिन उनको मत मारिए उनको, लेकिन वो दोनों जने उनको मारा। आप ये कहना चाहते हो कि जो आधी अधूरी जानकारी आपने राजू शुक्ला जी को दी उसी के आधार पर इन्होंने PI से बात की जी, अपनी ओर से इन्होंने कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं कहा, तो कह सकते हो कि इस मामले में आधी गलती आपकी है? हाँ मेरी गलती है, मैंने पूरी बात बताने का ही था, लेकिन जल्दी जल्दी में रात को हुआ, उसके बाद फिर सुबह जब बताने लगा तो फिर वो एक्शन इनको ले लिया। इनको जो पीटा गया आपके सामने पीटा गया? जी 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 मेरे सामने। वहाँ पे तो CCTV कैमरा है, CCTV कैमरा है, आपने उनको रोकने की कोशिश? जी मैंने बोला साहब उनकी कोई गलती नहीं है, आप उन्हें मत मारिए, मारना है तो मुझे मारिए। अभी आपकी FIR दर्ज हो चुकी है? जी मेरी FIR दर्ज हो चुकी है। जब पुलिस ही रक्षक की जगह भक्षक का रूप अख्तियार कर ले तो आखिर आम आदमी न्याय के लिए किससे गुहार लगाएंगे? ऐसा ही राजू शुक्ला के मामले में हुआ। जब वाली पुलिस स्टेशन के सीनियर PI से हमने राजू शुक्ला के मामले में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो उन्होंने फोन पर कुछ भी कहने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। अब देखना यह होगा कि नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते क्या राजू शुक्ला के इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर उन्हें न्याय दिला पाएंगे।